आज फिर दोबारा कंटिन्यूटी के जो बच्चे हुए क्वेश्चन है वो करवाते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो दो वीडियो में किया है उससे और बेटर वो दोबारा बता रहा हूँ। क्या करना है, अगर किसी फलन को एफ एक्स को आपको किसी बिंदु पर कंटिन्यूस करना है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके पास फलन है एफ एक्स और कोई आपके पास बिंदु है एक्स इज इक्वल टू ए, इस बिंदु पर अगर आपको किसी फंक्शन को कंटिन्यूस दर्शाना है, दिखाना है या जांच करनी है उसकी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल और इज इक्वल टू और एफ ए, ये तीनों चीज निकाल के और ऐसे दिखाओगे कि अगर बराबर है तो ये फंक्शन और एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूस है। ठीक है, तो एल एच एल क्या होगा, एल एच एल होता है लिमिट और एस टेंस टू जीरो और एफ और ए माइनस एच, ए वो बिंदु जिस पे कंटिन्यूस जांच कर रहे हैं, एच एक अलग राशि होती है बहुत छोटी, बार बार बता चुका हूं, एच इज इक्वल टू 0.001 या बहुत छोटी राशि होती है, वो ए में से घटाओगे और वो फलन के अंदर रखोगे, फिर उसके बाद में उसका लिमिट लोगे, जो रिजल्ट आएगा वो एल एच एल आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर उसके बाद में आर एच एल निकालोगे, आर एच एल कैसे निकलेगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो और एफ ए प्लस एच, ठीक है, और फिर उसके बाद में एफ ए मतलब ए का मान इस फलन के अंदर रखोगे तो जो वैल्यू आएगी, ये तीनों के तीनों मान अगर बराबर आ जाते हैं तो एक्स बराबर ए पर ये दिया गया फलन क्या होगा, कंटिन्यूस, पीछे वाले टॉपिक को भी बता चुका, दोबारा बता दिया एक बार। ठीक है, फिर आप आज क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। यदि कोई फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, फलन को थोड़ा ब्रेक करके दे रखा है, थ्री जब जब एक्स और लेस देन इक्वल टू 4, फिर उसके बाद में दे रखा है ए एक्स प्लस बी जब क्या कंडीशन हो, 4 लेस देन x लेस देन 6, और फिर उसके बाद में 7 है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब कोई फलन दिया हुआ है, किस प्रकार से फलन दिया हुआ है कि यदि x का मान अगर 4 से छोटा या 4 के बराबर है तो उस फलन का मान कितना है, 3 है, अगर यदि अगर x का मान 4 और 6 के बीच में है, न तो 4 न 6 उसके बीच में अगर है तो आपके फलन का मान है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और अगर एक्स का मान 6 से बड़ा या 6 के बराबर है तो आपके फलन का मान कितना है, 7। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन लिखा देता हूं, तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए कीजिए और साथ में एक शर्त दे रखिए, जिस जिस में फलन एफ एक्स जिसमें फलन एफ एक्स अंतराल कौन सा, क्लोज इंटरवल 4 और 6, ठीक है, में सतत है। तो क्वेश्चन को दोबारा समझो, वो कहता है एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स और वो फलन में यदि एक्स का मान 4 से छोटा या 4 के बराबर है तब तो उस फलन का मान आता है 3, और 4 और 6 के बीच में अगर हो तो मान आता है उस फंक्शन का एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और एक्स का मान 6 के बराबर या 6 से बड़ा हो तो उसका मान कितना आता है, 7 आता है। तो उस कंडीशन में कहता है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ एक्स अंतराल, एक अंतराल दे रखा है, इंग्लिश में इंटरवल कहते हैं अंतराल को, क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको, एक होता है विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल जिसमें ये बड़े वाले कोष्ठक लगे होते हैं वो क्या कहलाता है, क्लोज इंटरवल सेवर्त अंतराल कहलाता है। तो अंतराल दे रखा है क्लोज इंटरवल और 4 से 6 में ये क्या दे रखा है, सतत है, मतलब कंटिन्यूअस, मतलब कहने का अर्थ है कि 4 और 6 के बीच में जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी उन सारे पॉइंटों पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। थोड़ा सा इसको ग्राफ से सॉल्व ग्राफ बनाते हैं। अब देखो अगर ये 0 है आपके पास में तो यहां पे पास में पॉइंट क्या होगा, 1 2 3 और ये क्या आ गया आपके पास 4, फिर और आगे बढ़ोगे आप तो ये क्या आ जाएगा 5 और ये क्या आ जाएगा 6, और लिखना चाहो तो 7 वगैरह लिखते जाओ इस तरह से। अब देखो वो क्या कहता है कि 4 या 4 से कम x का मान, ये सारे के सारे x की वैल्यू है आगे तक 7 तक, 7 एट जितने भी इनफाइनाइट तक, इस साइड में नेगेटिव भी संख्या हो जाएगी, -1 -2 -3 -4 वगैरह, ठीक है। अब वो ये कहता है कि अगर x का मान 4 से कम और या 4 के बराबर, 4 से कम तो मतलब 4 से कम और 4
के बराबर, तो वो सारा इस साइड में है, तो उसका पेंशन का मान कितना है? 3। ठीक है। और कहता है 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में ये वाली कंडीशन, तो आपके पास फलन क्या मान क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फिर उसके बाद में कहता है 6 और 6 से बड़े वैल्यू के लिए, 6 और 6 से बड़े, तो उसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। कोई दिक्कत नहीं। कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 और एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और एफ एक्स इज इक्वल टू 7, ये चीज दे रखी है। अब कहता है कि जो अंतराल दे रखा है 4 और 6, तो अंतराल 4 और 6 का अर्थ समझिए आप, कोई आपको ऐसे कर रखा है क्लोज इंटरवल और 4 और 6, इसका मतलब ये होता है कि ये 4 है, ये क्या है 5 है, ये क्या है 6 आपके पास में, तो 4 से लेकर 6 के बीच में जितनी भी सारी की सारी संख्या है वो सारी की सारी इस इंटरवल के अंदर आती है। x belongs to a closed interval 4 से 6 कहता है, तो इसका मतलब x का मान इन 4 से लेकर 4 खुद प्रॉपर से लेकर और 6 तक 6 खुद भी बीच में, मतलब जैसे 4.5 4.75 वगैरह जो भी 5.5 5.65 वगैरह जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी इंक्लूड होती है। ठीक है। तो वो कहता है कि क्लोज इंटरवल 4 से 6 में ये सतत है, मतलब कहने का अर्थ है इस अंतराल, मतलब इस अंतराल का मतलब ये, इस अंतराल में कोई भी बिंदु लोगे प्रत्येक बिंदु पे आपके पास में फंक्शन क्या होगा? सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे? जो पूर्ण मान, मतलब कहने इंटीजर है ना, वो लोगे, उन पॉइंटों पर चेक करके देखोगे आपके पास में। तो देखो आपको किस किस पॉइंट पे लेना आपको कंटिन्यूअस देगा। वो कह रहा है कि 4 पे भी कंटिन्यूअस है और 5 पे भी है और 6 पे भी है। ठीक है, सब पे। तो मैं पॉइंट लेता हूं, एक तो 4 पे चेक करता हूं और एक किस पे करता हूं? 6 पे। तो सबसे पहले मैं एक्स बराबर 4 पर और फलन को कंटिन्यूस की जांच कर रहा हूं, तो ऐसे 4 पर करूंगा, फिर उसके बाद इक्वेशन बनेगी, फिर उसके बाद में 6 पे करूंगा इक्वेशन बनाऊंगा, फिर ए और बी का, क्योंकि उसने साफ कहा है, स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्या कहा है कि जो भी आपका फलन दिया गया है, कौन सा फलन? fx, fx का मतलब इतना पूरा का पूरा, ये फंक्शन नंबर 4 से लेकर 6 तक, मतलब अंतराल 4 से लेकर 6 तक है ना, जितनी भी वैल्यू अंदर है उसके बीच में करोड़ों संख्याएं होती है 4 और 6 के बीच में, और करोड़ों संख्याएं 4, 5 और 6, तो जितने भी नंबर है ना, उन प्रत्येक नंबर पे आपका ये फलन कंटिन्यूअस है। तो आपको पॉइंट जो ऐसे 4.5 4.4 वगैरह ऐसी वैल्यू ना लेकर आप पूर्ण परफेक्ट नंबर लें, जैसे 4 हुआ 5 हुआ 6 हुआ, तो 4 पर भी कंटिन्यूअस है, 5 पे भी कंटिन्यूअस है और 6 पर भी। देखो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अपन 4 पे अगर लें तो 4 पे देखेंगे तो 4 के लेफ्ट लिमिट कौन सी होगी? 4 माइनस एच और राइट लिमिट क्या होगी? 4 प्लस एच। तो अपने को 4 के लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों साइड में अपने पास फंक्शन है। ठीक है, तो अपना निकल सकता है। कई बार ऐसे क्वेश्चनों में कई नौबत आ जाती है, कई बार इस साइड में फंक्शन नहीं दिया हुआ, 4 से छोटे मानों के लिए फंक्शन नहीं दे रखा, उस सच में आप किसी भी सूट में 4 पे कंटिन्यूस तक की जांच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि आप लेफ्ट निकालेंगे तो आपके पास फंक्शन ही नहीं होगा। तो आपके पास यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 4 के लेफ्ट साइड में भी आपके पास फंक्शन है, राइट साइड में भी है और प्रॉपर पॉइंट पे भी है। फिर उसके बाद में आप कहोगे सर कि 5 पे निकाल दो, 5 पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 प्लस एच और 5 माइनस एच दोनों कंडीशनों में आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट है। पर फायदा क्या होगा? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो फलन टूट ही नहीं रहा ना, अगला कह रहा है कि 4 से 6 के बीच में तो फलन ऐसा आता है, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए आप जांच मत लेना। तो कौन सा पॉइंट लोगे? एक तो 4 लोगे और दूसरा क्या लोगे? 6 लोगे, क्योंकि 6 के लेफ्ट साइड में तो फंक्शन क्या आता है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और राइट साइड में क्या आता है? एफ एक्स इज इक्वल टू 7। तो हो सकता है डिसकंटिन्यूस हो, तो जिस पे फलन टूटता है वो पॉइंट लेने हैं। तो कहां कहां टूटता है? एक तो 4 पे टूटता है और एक 6 पे टूटता है। तो सबसे पहले मैं एक्स बराबर 4 लेता हूं, तो वो कहता है x बराबर 4, तो ये कहता है 4 और 6 प्रॉपर और 6 और बीच में सब पे कंटिन्यूअस है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं। x बराबर 4 पर क्या होगा? LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F4 बराबर होंगी, करने की जरूरी है ही होंगी, तो इसके बाद में होंगी, तो एक निकालता हूं, LHL निकाल देता हूं। तो LHL क्या होगा? लिमिट और S टेंस टू 0 और F और 4 माइनस H, अपना फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू 0 और एफ और ए माइनस एच होता है, ए की जगह क्या काम आ रहा है? 4, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस एच। तो अब क्या करोगे? लिमिट और एस टेंस टू 0 ऐसा कैसा और 4 माइनस एच, तो 4 माइनस एच कहां पे, किस जगह रखोगे भाई? 4 माइनस एच इस साइड में फंक्शन है ना, तो इसमें रखोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में?
थ्री है सगा सर, और टोटल मिला के थ्री। अब आपके पास में आ जाएगा एफ फोर, तो एफ फोर इज इक्वल टू क्या जाएगा, अब फोर पे प्रॉपर पे तो ये क्या जाएगा भाई, कोई फायदा नहीं होना, थ्री आ गया। अब एफ फोर पे भी थ्री मिल पा रही है, इसलिए इसका मतलब एलएचएल लेने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या होगा, क्योंकि थ्री ए थ्री ए बराबर आ रहा है, इसका मतलब अपने को निकालना है ए और बी है, तो ए और बी वाली वैल्यू आनी चाहिए, ऐसी चीज ले। तो इसके लिए आप और क्या निकालो, आरएचएल और निकालो, तो आरएचएल इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट और एस टेंस टू जीरो, और क्या बन जाएगा एफ और फोर प्लस एच। तो आपके पास में क्या आएगा, आरएचएल इज इक्वल टू लिमिट और एस टेंस टू जीरो। अब फोर प्लस एच कहां रखोगे, किस साइड में, इस साइड में, और इस साइड में फंक्शन क्या आपके पास है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो रख दो, कहां रखोगे एक्स की जगह वैल्यू रखोगे, कौन सा मान, फोर प्लस एच, तो ये आ जाएगा ए फोर प्लस एच और प्लस और बी। अब कोष्ठक में डाल दो लिमिट और एस टेंस टू जीरो ऐसा कैसा, और ये आ जाएगा फोर ए और प्लस फोर एच और प्लस बी, तो ये बन जाएगा फोर ए प्लस बी, ये आर एच एल बन गया ये, और ये आपके पास में एल एच एल बन गया, ये तीनों बराबर है, तो क्या रख सकते हो आप, फोर ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये तो दोनों बराबर आपस में ऐसे कैसे दिख रहे हैं, तो कोई सा ही मान रख दो थ्री ऐसा कैसा, ये समीकरण नंबर बन गई आपके पास में एक, क्योंकि ए और बी की वैल्यू निकाली है। अब आप क्या लो, एक्स इज इक्वल टू सिक्स पर, एक्स इज इक्वल टू सिक्स, अब देखो सिक्स पर लेने के लिए क्या करोगे भाई, एफ और सिक्स पे वैल्यू क्या है, प्रॉपर पे, प्रॉपर पे देखो इक्वल टू का निशान कहां लग रहा है, सेवन पर, तो सेवन आ गई, तो एक वैल्यू तो निकाली। अब आप लेफ्ट निकालो या राइट, लेफ्ट निकालने से बेनिफिट होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये सिक्स माइनस एच की कंडीशन है, ये सिक्स प्लस एच की, तो इस साइड में आपके पास ये ए प्लस बी मिल जाएगा, तो एल एच एल ले रहा हूं इसका, एल एच एल, या फिर ऐसा करना है काम कि पहले दिखा देना एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल और इज इक्वल टू एफ सिक्स, ये बराबर, तो फिर उसके बाद में एफ सिक्स निकालना, तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि कहा ना कि प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस है, सतत है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है, इसका मतलब तीनों चीज बराबर होंगी, तो एफ सिक्स पे क्या आ जाएगा आपके पास में सेवन। फिर उसके बाद में एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट और एस टेंस टू जीरो ऐसा कैसा, और ये क्या आ जाएगा सिक्स प्लस एच, एल एच एल सिक्स माइनस एच कहां रखोगे यहां पे ए, और ये बन जाएगा सिक्स माइनस एच और प्लस बी, तो ये बन जाएगा लिमिट और एच टेंस टू जीरो और सिक्स ए माइनस ए एच और प्लस बी, तो ये आ जाएगा सिक्स ए और प्लस बी, ये एल एच एल का मान आ गया, और एफ एक एफ सिक्स का मान कितना रहते हैं, तो इन दोनों बराबर रख दो, तो ये क्या आ जाएगा सिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन, समीकरण नंबर दो देखो। अब देखो ये क्या है, फोर ए प्लस सिक्स इज इक्वल टू थ्री, दूसरी समीकरण क्या है सिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन। इन दोनों समीकरणों को सरल टेंथ क्लास के अकॉर्डिंग, टेंथ क्लास में विलोपन विधि होती है और प्रतिस्थापन विधि होती है, उन तो विलोपन विधि से इसको सरल कर देते हैं, तो समीकरण दो माइनस समीकरण और एक, दो में से एक घटा दो, तो पहले दो को लिखो सिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन, और ये क्या जाएगा फोर ए और प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, माइनस माइनस और माइनस, तो ये कितने बचेंगे टू ए, और ये कितना आ जाएगा जीरो, और ये कितने बचेंगे फोर, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर अपॉन टू, तो कट की क्या बचेंगे टू, तो ए का मान क्या आ जाएगा आपके पास टू। अब ए का मान टू आ गया, तो आप समीकरण नंबर एक में रख दो, चाहिए समीकरण नंबर दो में रख दो, क्या रख दो ए का मान और बी का मान प्राप्त कर लो, तो समीकरण और एक में ए का मान रखने पर तो क्या बन जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास में और फोर क्रॉस टू और प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, तो यह आ जाएगा एट और प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, तो बी इज इक्वल टू थ्री माइनस एट, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का फाइव। तो उसने क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, ए और बी का मान पूछा था, तो ए का मान तो कितना आएगा दो, और बी का मान कितना आएगा माइनस का पांच। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, दोबारा समझ लो अच्छी तरह। कहता है एक फंक्शन दिया हो आपके पास में, कैसा एफ एक्स इज इक्वल टू, और उस फलन को तोड़ के दे रखा है कि एक्स का मान चार से छोटा या चार से बड़ा और छह के बीच में, और छह से बड़ा या छह के बराबर में
उसका मान कैसा कैसा है, बदलाव आया, हर जगह एक जैसा मान नहीं चलता, तो कैसे तोड़ के दे रखा है। वो कहता है कि x less than equal to 4, मतलब x का मान 4 से छोटा है, 4 के बराबर है, तो आपका फलन का मान कितना है, 3 है, और 4 और 6 के बीच में है तो फलन का मान क्या है, ax plus b है, और x का मान 6 के बराबर या 6 से बड़ा है तो कितना है, 7 है। a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब कहता है जिसमें फलन fx अंतराल, और साथ में क्या कह रखा है, ऐसा फलन देकर वो कहता है a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b की वैल्यू निकालनी है, और कहता है जिसमें फलन fx अंतराल, अब जो आपका फलन दे रखा है ना, वो एक अंतराल दे रखा है, इंटरवल, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, हिंदी में सहवर्त अंतराल कहते हैं, 4 से 6 में क्या है, सतत। क्लोज इंटरवल का अर्थ क्या है, क्लोज इंटरवल का अर्थ ये है कि 4 और 4 खुद और 4 से बड़ी संख्या है, और 6 खुद और 6 से छोटी संख्या है, कि बीच में जितने भी नंबर है ना, वो सारे के सारे इस अंतराल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एक विवर्त अंतराल होता है, विवर्त अंतराल में क्या होता है, छोटा कोष्ठक लगता है, और छोटा कोष्ठक लगता है तो उसमें 4 और 6 दोनों खुद शामिल नहीं होती, और उसके बीच की संख्याएं शामिल होती है, ठीक है। कहता है मैं सतत है, तो a और b का मान निकालना है, तो थोड़ा सा इसको ग्राफ से शो करते हैं। ग्राफ से दिखाने के लिए मैंने पहले 0 रखा, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख दिए, फिर उसके बाद में अगले ने क्या कहा, 4 आपके पास यहाँ पे है ना, वो कहता है ये x का मान है सारा सारा, 0 1 2 3 4 5 6 7, और फिर उसके माइनस 1 माइनस 2 माइनस, ये क्या है, सारे x के मान है। कहता है x का मान 4 से छोटा या 4 के बराबर है, 4 से छोटा या 4 के बराबर, तो 4 के बराबर से लेकर और छोटे पर आपका फलन का मान कितना है, 3 है। फिर उसके बाद कहता है 4 और 6 के बीच में, तो 4 और 6 के बीच में आपका मान कितना है, fx = ax + b है। फिर उसके बाद में कहता है 6 से 6 और 6 से बड़ा, तो 6 और 6 से बड़ा, x greater than equal to 6 इसका मतलब 6 और 6 से बड़ा, तो उस कंडीशन में क्या है, fx = 7। फिर उसके बाद में ये इस प्रकार से इस फलन का डिवाइडेशन कर रखा है, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है, तो अपन कंटिन्यूस पॉइंट देखते हैं। अब देखो यहां पे 5 पे मैं कंटिन्यूस जांच करने की या निकालने का अर्थ मतलब ही नहीं है, क्योंकि फलन लगातार चल रहा है, तो फलन टूट कहां रहा है, ब्रेक कहां हो रहा है, कि इससे 4 से पहले कुछ और था और 4 के बाद में कुछ और है, तो 6 से पहले कुछ और था, 6 के बाद में कुछ और रहा, तो जिस बिंदु पर फलन परिवर्तन होता है उन बिंदुओं पे ही लेकर अपन को क्या निकालना है, कंटिन्यूअस निकालना। हालांकि यहाँ पे कंटिन्यूअस दे रखा है, कह रखा है कि कंटिन्यूअस है, तो मान लेते हुए और फिर उसके बाद में LHL और RHL निकालनी है। x = 4 पर LHL = RHL at 4, ये तीनों के तीनों बराबर, क्योंकि x बराबर 4 पर जो फलन है वो कंटिन्यूअस है, 4 और 6 पे परोपर पे और अंदर की सब प्रत्येक मानों पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो क्या लिखो, x बराबर 4 पर फलन और सतत है, तो क्या लिखोगे, LHL = RHL = F4। तो इस कंडीशन में आप एक निकालो, LHL निकालो, RHL निकालो, तो सबसे पहले LHL निकाला तो 3 आया ऐसा कैसा, तो फिर उसके बाद RHL क्यों निकालने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अपने पास 3 कोई वैल्यू a और b का मान निकाला, तो a b तो आया ही नहीं, तो इसलिए अपने को F4 निकालते हैं, वो भी 3 है। फिर उसके बाद RHL निकालते हैं, RHL लिमिट s टेंड्स टू 0 F4 + h, तो क्या जाएगा, RHL के लिए क्या करोगे, इस जगह रखोगे, देखो लेफ्ट लिमिट के अंदर तो इस में फलन रखना मान, और राइट में के लिए रखना है, इस जगह रखना है, तो क्या जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 ऐसा कैसा, 4a + 4h + b, तो 4a कैलकुलेशन कर दोगे इसको, 4a + b, तो ये देखो 4a + b किसका, RHL का मान, और LHL का मान कितना है, 3 या F4a की बात है, तो वो क्या जाएगा, 4a + b = 3, एक नंबर इक्वेशन। फिर उसके बाद में x = 4 पर फलन क्या है, सतत है, तो क्या करोगे, LHL RHL और F6 पे मान कितना है, 7, ये दे रखा है यहां पे ऐसा कैसा। फिर उसके बाद LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 a 6 - h + b, क्या करना है, x की जगह क्या मान रखना है, 6 माइनस और h, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करो इसकी, तो 6a + b, भाई वही वो ऐसी जैसी होती है लिमिट, इसको खोल दो, इसको अंदर मल्टीपल कर दो, 6a माइनस और ए एच प्लस बी और h का मान रख दो, तो क्या बचा, 6 और a प्लस बी। फिर उसके बाद ये समीकरण नंबर बन गया आपके पास में 2, क्योंकि LHL का मान और पर्टिकुलर पॉइंट का मान वो बराबर रख देना, तो 6a प्लस बी इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 2। अब देखो a एक नंबर समीकरण है, उसमें भी क्या है, a और b है, दो नंबर समीकरण है, उसमें भी क्या है, a और b है, तो दो समीकरण a और b में दे रखे हो तो उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किस विधि से, या तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से, ठीक है। तो
तो विरोपण विधि से सरल कर रहा हूं, तो समीकरण दो, क्योंकि इसमें भी बी है का कोफिशियंट एक है और इसमें भी बी का कोफिशियंट एक है, तो समीकरण दो में से क्या करोगे, समीकरण एक घटा दोगे, और घटाने के बाद आप जानते हैं 10th क्लास में खूब उपयोग किया इस चीज का, तो क्या जाएगा 6a plus b is equal to 7, 4a plus b is equal to 3, तो घटाओगे तो ये बन जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा 0, ये क्या जाएगा 4, तो कैलकुलेशन करोगे तो a is equal to 4 upon 2 is equal to 2, a is equal to 2। अब तो a का मान आ गया आपके पास, अब ये a का मान आप समीकरण एक में रख दो से समीकरण दो में रख दो, तो समीकरण एक में मैंने a का मान रख दिया, फिर उसके बाद कैलकुलेशन की तो b का मान ये क्या जाएगा, ए का मान रखोगे तो 4 क्रॉस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो ये 8 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो बी इज इक्वल टू क्या जाएगा 3 माइनस 8, तो बी इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। ए और बी का मान पूछा था, ए और बी का मान निकाल दिया, लिखना चाहो लिख लो। ये एग्जांपल नंबर 6 था। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, एक फलन दे रखा है, निम्न फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एम साइन 1/x, जबकि एक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, और 0 जबकि x इज इक्वल टू 0, ठीक है, फिर कहता है के लिए m पर एक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कीजिए ताकि एफ एक्स पर क्या हो, कंटिन्यूस हो, एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर 0 पर सतत हो। वो कहता है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, लगातार 6 क्वेश्चनों के अंदर 6 क्या 6 नंबर का क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग था, लगातार 5 क्वेश्चनों में आपको कंटिन्यूस की जांच करवाता, छठे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पॉइंट देकर और कंटिन्यूस करके ए और बी की वैल्यू निकलवाई। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके कैसे है, वो कहता है कि जो आपके पास फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस है किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर। अब आपको ये जो m दे रखा है ना, इसका प्रतिबंध ज्ञात करना है कि m की वैल्यू कैसी होगी, m कैसा होगा, m 0 के बराबर होगा, m पॉजिटिव होगा या m नेगेटिव होगा, या किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा, तो m का प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो देखो थोड़ा सा इसका ग्राफ बना देता हूं, फिर आपका फलन जो दे रखा है उस फलन की स्थिति बता देता हूं। वो कहता है x बराबर 0 यहां पे है, वो कहता है x बराबर 0 अगर हो तो आपका फलन का मान fx का मान कैसा होता है, fx इज इक्वल टू 0 दे रखा है ऑलरेडी, कि जब x बराबर 0 हो तो आपका फलन का मान कैसा है 0। फिर उसके बाद में कह रखा है x डज नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 के अलावा, 0 के अलावा कौन सा, 0 माइनस एच और 0 प्लस एच, ये दोनों भी दोनों किस में आते हैं, 0 के अलावा में आते हैं ना, या इस साइड में जितने भी और मान है सबके लिए फलन का मान fx का मान कैसा है, fx इज इक्वल टू आपका है x की पावर m और साइन और 1 अपॉन x, इस साइड में भी जितने भी और x की जितनी वैल्यू है उनके लिए fx का मान कितना है, x की पावर m और साइन और 1 अपॉन x, ठीक है। अब ऑलरेडी कहता है कि x बराबर 0 पर क्या है दिया गया फलन कैसा है, सतत है, तो लिखते हैं x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। अगर x बराबर 0 पर फलन सतत है, इसका मतलब LHL इसका और RHL इज इक्वल टू f 0, ये तीनों बराबर, कहता है x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो सतत है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f 0, ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर है, बराबर है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले LHL निकालेंगे, LHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट और s टेंड्स टू 0 और f और 0 माइनस h,
लिमिट एस टेंस टू जीरो और एफ जीरो माइनस एक्स, तो लिमिट और एस टेंस टू जीरो जीरो माइनस एक्स कहां रखोगे? अब देखो से जीरो माइनस एक्स और जीरो प्लस एक्स दोनों जगह फंक्शन कौन सा है? ये वाला। तो रखो यहां पे जीरो माइनस एच की पावर एम और साइन और क्या आ जाएगा वन अपॉन जीरो माइनस एच, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा माइनस वन की पावर एम, ये लिमिट लगा देता हूं लिमिट एस टेंस टू जीरो ऐसा कैसा, और माइनस वन की पावर एम। क्यों माइनस वन की पावर एम लिखती? देखो यहां पे ऐसी कंडीशन बढ़ रही थी माइनस एच की पावर एम था, उसको क्या क्या लिख सकते हो, माइनस वन गुणा एच की होल पावर एम नहीं लिख सकते क्या? माइनस वन माइनस एच की पावर एम है उसको माइनस वन क्रॉस एच लिख सकते हो। अब इसको अलग अलग लिखोगे तो क्या देगा, माइनस वन की पावर एम और एच की पावर एम लिख सकते हो नहीं लिख सकते? तो ऐसा ही यहां पे किया है, जीरो माइनस एच था उसको माइनस एच लिख सकते हो, तो उसमें माइनस एच लिख सकते हो उसके ऊपर पावर एम लिखी हुई है, तो माइनस एच को क्या लिख सकते हो माइनस वन गुणा एच, तो माइनस एम माइनस वन की पावर एम ना वो तो अलग हो जाएगा और एच की पावर एम अलग आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच, तो ये जीरो माइनस का निशान बाहर आ जाएगा ऐसा कैसा माइनस वन, और ये साइन और वन अपॉन एच, ठीक है। अब आप लिमिट का मान रखो, लिमिट का मान रखोगे तो माइनस वन की पावर एम और ये क्या जाएगा एच, एच की जगह क्या रखोगे जीरो की पावर एम और माइनस वन ऐसा कैसा, और ये आ जाएगा साइन और वन अपॉन इनफाइनाइट, वन अपॉन एच की जगह जीरो रखा तो वन अपॉन जीरो क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। अब देखो इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो एल एच एल इज इक्वल टू और माइनस वन की पावर एम ऐसा कैसा और जीरो की पावर होल पावर एम और माइनस वन ऐसा कैसा। अब जानते हो साइन इनफाइनाइट का मान क्या होता है, साइन से कैसा भी हो साइन का मान कभी भी और एक से बड़ा नहीं होता और माइनस एक से छोटा नहीं होता, मतलब कहने का अर्थ है माइनस वन और वन के, माइनस वन व वन के मध्य कोई परिमित मान होगा, मतलब कहने का अर्थ है माइनस वन और वन के मध्य कोई फाइनाइट वैल्यू होगी किसी प्रकार की, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू होगी, जैसे एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा चार एक बटा पांच एक बटा छह वगैरह ऐसी सारी वैल्यू क्या होंगी, क्योंकि कभी भी साइन का ग्राफ देखा होगा तो एक से बड़ा मान नहीं आता और कभी माइनस एक से, तो ज्यादा इनफाइनाइट और साइन से आगे कुछ भी हो ज्यादा ज्यादा एक आ सकता है और कम से कम क्या आता है माइनस एक, इसके बीच में कोई परिमित वैल्यू आ जाएगी जीरो आ जाएगा एक एक बटा दो आ जाएगा तीन बटा चार आ जाएगा तीन बटा दो आ जाएगा जो भी जैसा भी। अब देखो आप यहां ये तीन चीजें आपके पास माइनस वन की पावर एम जीरो की पावर एम और माइनस वन और गुणा में ये वैल्यू होगी कोई कोई एक बटा दो होगी एक बटा तीन होगी इस प्रकार की कोई वैल्यू। अब देखो आप अब यदि अगर एम का मान तीन सिचुएशन बनती है आपके पास में पूछ रहा है ना एम का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, तो एम का प्रतिबंध के लिए आप सबसे पहले एम एक तो है ग्रेटर देन जीरो, एक है एम इज इक्वल टू जीरो, एक है एम लेस देन जीरो, किसी एम के मान होने की तीन कंडीशन बनती है, या तो एम का मान ऋणात्मक हो या जीरो हो या धनात्मक हो। भाई एम के मान या आपके पास में अगर जीरो से स्टार्टिंग करें कोई एम है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है या जीरो से कम हो सकती है या जीरो से ज्यादा हो सकती है, तो ये कंडीशन तो क्या है एम इज इक्वल टू जीरो और इस साइड की एम लेस देन जीरो इसका मतलब एम ग्रेटर देन जीरो। एम का मान क्या क्या हो सकता है, एम का मान जीरो से बड़ा हो सकता है, एम का मान जीरो के बराबर हो सकता है, एम का मान जीरो से छोटा हो सकता है। तो सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं, अगर यदि एम का मान और जीरो से अगर बड़ा हो गया तो बात सही है ना, जीरो के ऊपर अगर कोई ऐसी धनात्मक धनात्मक मान रखोगे जैसे एक बटा दो एक बटा तीन, तो जीरो की पावर एक बटा दो या एक बटा चार या दो या तीन और ये चार इस तरीके की वैल्यू दोगे तो क्या आएगा टोटल मिला के जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर चर्चा करते हैं एम बराबर अगर आपके पास जीरो अगर हो जाए तो आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी, एम का मान आपने सपोज दैट जीरो ले लिया आपके पास जीरो की पावर एम है तो ये बताओ जीरो की पावर जीरो ये बन जाएगी, ये कैसी वैल्यू होती है, ये होती है अनिर्धारी रूप इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसका मतलब एम का मान जीरो तो नहीं हो सकता ना किसी भी सूरत में,
एम का मान जीरो तो नहीं हो सकता ना, क्यों? एम का मान जीरो होते ही क्या, जीरो की पावर जीरो बन जाएगी, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है, अनिर्धारित रूप कहलाती है। क्या कहलाती है? अनिर्धारित रूप, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। तो ऐसा तो संभव नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है, तो इसका मतलब यह होना असंभव है। फिर उसके बाद में एम का मान जीरो से छोटा, तो अगर एम का मान जीरो से छोटा ले लिया, इसका मतलब आप क्या ले रहे हो, एम लेस देन जीरो ले रहे हो, इसका मतलब एम का मान ऋणात्मक आएगा, कुछ भी आए पर नेगेटिव आएगा, कुछ भी आए पर नेगेटिव आएगा, कुछ भी आए नेगेटिव आए, और वो आप जीरो के ऊपर पावर लगाओगे माइनस और कुछ भी, तो इसका मतलब वन अपॉन, और ये क्या बन जाएगा, जीरो, ये माइनस का निशान किसी पावर को नीचे कर देता है ना, तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो आप पावर एक बटा दो, एक बटा तीन, एक बटा चार, कुछ भी हो, उसका मान टोटल मिला के एक बटा जीरो, इसका मतलब इनफाइनाइट मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट भी अपने आप में क्या है, अपरिभाषित है, जो नॉन डिफाइन है, जो डिफाइन नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी संभव नहीं है, क्या ये भी संभव नहीं, क्या नहीं हो सकता, एम का मान जीरो से छोटा नहीं हो सकता, जीरो से छोटे होते ही मैंने दिखाया ना कैलकुलेशन करके, ये कंडीशन बन जाती है इनफाइनाइट। और अगर यदि एम का मान जीरो के बराबर ले लिया तो भी क्या हो जाएगी, जीरो की पावर जीरो, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब क्या संभव है, एम का मान क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, एम का मान कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा। तो क्या यहाँ पे क्या लोगे आप, एलएचएल लिमिट अगर पूर्ण मान है आपके लिए, इसलिए एम का मान कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस वन की पावर एम, और ये क्या बन जाएगा, अगर एम का मान ग्रेटर देन जीरो लोगे तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल मिला के जीरो गुणा माइनस वन, और माइनस वन व वन के मध्य कोई और परिमित मान, ये ऐसा कैसा, तो ये क्या बन जाएगा, ये जीरो से मल्टीपल होगा, ये जीरो से मल्टीपल, टोटल मिला के जीरो बन जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद में आर एच एल को चेक करते हैं, आर एच एल, तो आर एच एल क्या कहता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो ऐसा कैसा, और फलन एफ जीरो प्लस एच, तो रखो लिमिट एस टेंस टू जीरो ऐसा कैसा, और ये भी यहीं पे रखोगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा जीरो प्लस एच की पावर एम, और ये आ जाएगा साइन और वन अपॉन जीरो प्लस एच, तो ये बन जाएगा आपके पास में आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट और एच टेंस टू जीरो और एच की पावर एम और साइन और वन अपॉन एच, ठीक है। अब देखो एच की पावर एम साइन वन अपॉन, यहां पे भी ट्राई करके देखते हैं, वही कंडीशन, वैल्यू रखोगे तो जीरो की पावर एम साइन और वन अपॉन जीरो, मतलब इनफाइनाइट, तो जीरो की पावर एम, और ये क्या है माइनस वन व वन के मध्य परिमित मान, मतलब कहने का अर्थ माइनस वन वन के मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू। तो इसका मतलब अब बताओ एम का मान क्या क्या हो सकता है, एम का मान ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, ठीक है। एम का मान जीरो अगर ले लिया तो यही वो जीरो की वही बन गई ना वापिस, जीरो की पावर जीरो, इंटरनेट फॉर्म बन गई। एम लेस देन जीरो ये लेते ही क्या बन जाएगा, वही कंडीशन बन गई ना, नेगेटिव मान, तो जीरो की पावर नेगेटिव आई तो वन अपॉन जीरो बना, तो टोटल मिला के वन अपॉन जीरो बन जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब दो मान तो नहीं हो सकती है, एम बराबर जीरो और एम लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या होगा, एम ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी यही सिचुएशन आ रही है। तो एम ग्रेटर देन जीरो होते ही क्या आर एच का मान क्या आ जाएगा, टोटल मिला के जीरो आ जाएगा, लिख देना आर एच एल इज इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास दे रखा है एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ जीरो, तीनों बराबर होते हैं ना, कब, जब जब क्या हो, एम की कैसी कंडीशन हो, एम ग्रेटर देन जीरो। और यही चीज पूछी है कि एम के लिए एम पर प्रतिबंध कहता है, ये आपका फलन दे रखा है, एम पर एक प्रतिबंध है किस प्रकार का, ज्ञात कीजिए ताकि फलन आपका संतत बना रहे, बिंदु फलन है बिंदु एक्स बराबर जीरो पर, बिंदु x बराबर जीरो पर और क्या है सतत रहे। तो x बराबर जीरो पर सतत लेकर और मैंने कैलकुलेशन की तो m की क्या सिचुएशन बनती है, m का एकमात्र मान क्या है, m ग्रेटर देन जीरो। एकमात्र तो नहीं कह सकते, m के मान बहुत होंगे, क्यों, m ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो में क्या हो सकता है, एक बटा दो भी हो, एक बटा तीन भी हो, मतलब कहने का अर्थ है जीरो से बड़े मान जितने भी, मतलब कहने का धनात्मक मान, वो सारे सारे धनात्मक मानों के लिए एम ये प्रत्येक एक्स बराबर जीरो पर ये दिया गया फलन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा।